महाराष्ट्र में आज 8 नए ओमिक्रॉन मामलों की पहचान की गई है, जिसमें से 7 मुंबई से। भारत में कुल 57 ओमिक्रॉन मामलों की पहचान की गई है। ओमिक्रॉन अत्यधिक संक्रामक है, हमें सतर्क रहना चाहिए, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। जिन लोगों ने दोनों खुराक नहीं ली है, उन्हें बिना देर किए लेना चाहिए। होप अस्पताल और आयुष्मान अस्पताल ने देश के 10 शहरों में 11 केंद्रों पर एक मीडिया समूह के साथ मिलकर मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान होप हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मुरली बी के द्वारा दी गई है। होप अस्पताल और आयुष्मान अस्पताल ने देश के 10 शहरों में 11 केंद्रों पर एक मीडिया समूह के साथ मिलकर मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मीडिया समूह ने अभियान के लिए ब्रेक इवन दर पर खुराक खरीदी है और मुख्य रूप से दूसरी खुराक के लिए इन शहरों में नागरिकों को जुटाएगा। वे सभी लोग जिन्हें अभी तक अपनी पहली खुराक नहीं मिली है, वे इस स्थान पर टीकाकरण का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल NMC ने पहली खुराक के लिए निःशुल्क टीकाकरण बंद कर दिया है। नागपुर वासियों के लिए ओमिक्रॉन के वास्तविक खतरे को देखते हुए सुरक्षा पाने का यह एक अच्छा अवसर है। ZTV और होप अस्पताल टीकाकरण शिविर इस शुक्रवार 17 दिसंबर 2021 को धनसन लॉन 1516 सेंट्रल एवेन्यू वर्धमान नगर चौक नागपुर 440008 नागपुर में आयोजित किया जाएगा। ZTV के साथ मिलके एक वैक्सीनेशन ड्राइव ऑल इंडिया लेवल पे शुरू किया है, जहां पे ऑल ओवर इंडिया 10 सिटीज और 11 सेंटर्स 3 स्टेट्स में हम लोग हर लोकेशन में 500-500 लोगों का वैक्सीनेशन के लिए तैयारी किया है। इसमें नागपुर में भी ये वैक्सीनेशन ड्राइव फ्री रहेगा। 17 को डॉनसन लॉन में रहेगा, ये वर्धमान नगर में है। जिन जिन को रजिस्टर करना है वो ZTVvaccinationcamp.com ये साइट में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। उस दिन 17th को ये वैक्सीन फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, स्नैक्स दिया जाएगा और एंटरटेनमेंट रहेगा ZTV की तरफ से। एक ही दिन है क्योंकि ये 11 सेंटर्स में हम ये कवर कर रहे हैं, तो हर सिटी में एक एक दिन ही हमने रखा है। और ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और अभी जिन बहुत सारे लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लिया है, तो जिन जिन लोगों ने वैक्सीन पूरा कंप्लीट नहीं किया है, उनके लिए एक मौका है फ्री वैक्सीन लेने का। www.ztvvaccinationcamp.com पर लॉगिन रजिस्टर करने के लिए होप समूह ने पहली खुराक के लिए पहले भी इसी तरह का अभियान चलाया था। शहर के निजी अस्पताल कोविशील्ड की 1 लाख से अधिक खुराक पर बैठे हैं, जो कई लोगों को लगता है कि जब तक एक सकुशल बूस्टर खुराक की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक इसे खरीदा नहीं जाएगा। निजी अस्पतालों को शुरू में अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन जब सरकारी आपूर्ति सुव्यवस्थित हो गई और स्थानीय निकायों ने निजी प्रतिष्ठानों पर शिविर लगाना शुरू कर दिया, तो निजी अस्पतालों में मांग धीमी हो गई। होप अस्पताल के निदेशक डॉक्टर बीके मुरली, जो इस अभियान का हिस्सा है, ने कहा है कि मीडिया समूह खुराक को प्रायोजित कर रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।